प्रथम तहलका न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शेख माजिद राशिद अल मोला ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दरअसल दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर्स को यहाँ पर संबोधित किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा को भारत का बिजनेस पावर हाउस बताया गया है। हरियाणा में बिजनेस के लिए बिजनेसमैन को आमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान शेख माजिद राशिद अल मोला ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर को मंत्री अनिल विज ने संबोधित किया। हरियाणा को भारत का बिजनेस पावर हाउस उन्होंने बताया और हरियाणा में बिजनेस के लिए बिजनेसमैनों को आमंत्रित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शेख माजिद राशिद अल मोला ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दरअसल दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर्स को यहाँ पर संबोधित किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा को भारत का बिजनेस पावर हाउस बताया गया है। हरियाणा में बिजनेस के लिए बिजनेसमैन को आमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान शेख माजिद राशिद अल मोला ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर को मंत्री अनिल विज ने संबोधित किया। हरियाणा को भारत का बिजनेस पावर हाउस उन्होंने बताया और हरियाणा में बिजनेस के लिए बिजनेसमैनों को आमंत्रित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है वो दुबई पहुंचे हैं। आई एम ग्लैड टू अटेंड Global Investment Growth Summit organized under the guidance of His Highness Sheikh Majid Rashid Al Mola. Majestic Investment Champions Group, it is a great platform to connect with the top investors of the business community. I am also thankful to His Highness for inviting me to this summit. I am very much delighted by the gathering from the world of business tycoons, financiers, planners, thinkers, and I cannot resist my temptation. I want to steal, I think is not the right word. I want to awake with the permission of His Highness to say something about my country and my state. Though I know this summit has been arranged for investments in Dubai, but it is sad whenever you get an opportunity, if you miss something. Opportunities should be availed. Friends, India is fast moving in the field of industry and investment sector, and under the leadership of the Prime Minister Sri Narendra Modi,
the work is being done to promote industrialization in India by flagship programs like Digital India, Startup India, Make in Thank you, facilitation. Thank you very much. Thank you, Sri.